सभी को मेरा नमस्कार। नॉलेज विद सीएम यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, आज के वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से आप छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप अपने बच्चों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और यदि उनका चयन हो जाता है तो वे वहाँ पर अपनी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं कक्षा पहली से लेकर कक्षा बारहवीं तक इंग्लिश मीडियम में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2020 में किया गया था। जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, देखिए स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम जो स्कूल है उसको 1 नवंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ श्री भूपेश बघेल जी के द्वारा शुरुआत की गई थी और वर्तमान में अभी 171 स्कूल संचालित है इंग्लिश मीडियम के, प्रत्येक ज़िले में संचालित है हर ज़िले में। तो उसके लिए अभी ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रक्रिया स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर देखिए आपको डिस्प्ले में दिखाई पड़ रहा है कि एडमिशन फॉर्म स्टार्ट 15 मई 2021 टू 10 जून 2021, यानी कि 15 मई 2021 से लेकर के 10 जून 2021 तक आप इसमें अपना आवेदन फॉर्म फिलअप कर सकते हैं ऑनलाइन। और जैसे ही आपका चयन होता है तो फिर आपको जो जो उसमें अनिवार्य डॉक्यूमेंट लगेगा उसको आपको फिलअप करनी होगी, आपको सबमिट करनी होगी। और किस प्रकार से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं तो उससे संबंधित जो इसका जो लिंक है जिसमें आप जाकर के ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। आप सीधे उसको वहां से क्लिक करके भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए हम फॉर्म फिलअप किस प्रकार से कर सकते हैं उस पर बात कर लेते हैं। जैसे ही आप जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा उस लिंक को आप टच करेंगे, टच करने के बाद जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर लिखा रहेगा स्टूडेंट ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म और फिर यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, इसमें लिखा गया है रीड ऑल इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। यहाँ पर देखिए नंबर 2 में दिया गया है सीट अवेलेबिलिटी स्टेटस, यहाँ से आप क्लिक करके आप कहाँ कहाँ कितने सीट है उसकी जानकारी आप यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है कि यदि आप क्लास 1 में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको परसेंट या ग्रेड और मीडियम को भरने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप क्लास 2 से लेकर 12 तक फिलअप करते हैं तो आपको फिर क्लास परसेंट और ग्रेड यदि आपको भरने की ज़रूरत होगी। साथ ही आपको जब आपका चयन हो जाता है तो आपको डॉक्यूमेंट के रूप में बर्थ सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट और स्कूल रिजल्ट इज रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, यानी कि प्रवेश के समय आपको इन चीज़ों की आवश्यकता होगी और आपको फॉर्म सही सही फिलअप करनी है। उसके बाद इस तरह से आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ड्रॉप डाउन से अपना ज़िला चयन कर लेना है जिस ज़िले में आप आवेदन करना चाह रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पर ड्रॉप डाउन से ज़िले का चयन कर लेते हैं इस तरह से, तो जैसे ही आप जिला चयन करेंगे उसके बाद देखिए नीचे में आता है स्कूल। तो उस जिले में जितने भी स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल संचालित है गवर्नमेंट के द्वारा उसकी लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाएगी इस तरह से। तो जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाह रहे हैं वहाँ से आपको इस स्कूल को इस तरह से आपको अप्लाई कर लेनी है। उसके बाद यहाँ से आपको क्लास चयन कर लेना है। जैसे ही आप क्लास चयन करते हैं क्लास 1 इस तरह से, तो क्लास 1 चयन करेंगे तो फिर आपको सामने इस तरह से स्क्रीन दिखाई पड़ जाएगी कि कितने सीट है, कितने फिल किए गए हैं, कितने वैकेंट है और कितना अप्लाई किया जा चुका है। उसी प्रकार से चाहे तो आप यहाँ पर क्लास 6, 7, 8 या फिर 11 भी इस तरह से आप चयन कर सकते हैं। जैसे ही आप क्लास 11 चयन करते हैं तो इस प्रकार से वहाँ पर भी आपको सामने दिखाई पड़ जाएगा, देखिए टोटल सीट कितनी है, 20 है, कितने वैकेंट है उसमें, 11 वैकेंट है और टोटल अप्लाई कितने हैं, 2। तो इस तरह से आपके सामने जानकारी प्रदर्शित हो जाती है। तो चलिए हम अभी वर्तमान में क्लास 1 चयन कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालनी है जिसमें ओटीपी आएगा। मोबाइल नंबर डालने के बाद हमको ये गेट ओटीपी पे क्लिक करना है। जैसे ही हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ओटीपी सक्सेसफुल हमारे मोबाइल पर चला जाएगा। आपको क्या क्या जानकारी भरनी है आपको इस तरह से, फिर यहाँ पे आपको स्टूडेंट का नाम भर देना है, यहाँ पर आपको पिता का नाम भरना है, फिर यहाँ से आपको जेंडर चयन कर लेनी है, यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ चयन कर लेना है, फिर यहाँ पे आपको कास्ट चयन करते हैं इस तरह से। उसके बाद फिर हमको यहाँ पर लिखा है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यहाँ पर आपको मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चयन कर लेना है हिंदी या फिर इंग्लिश जो प्रीवियस ईयर का था। यदि आप पहले के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आपको कुछ नहीं करना है। और फिर यहाँ पर आपको परसेंट चयन कर लेना है, ये ऑप्शनल है। यदि आप यहाँ पर क्लास फर्स्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है, और यदि अन्य क्लास के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको ये दोनों ऑप्शन को भरने की जरूरत होगी। और यहाँ पर आपको बताना है कि आप बीपीएल कैटेगरी से यस या नो, फिर आपको आपको फाइनेंशियल जो वीकर स्थिति इसको बताना है कि आप कमजोर आर्थिक स्थिति से है यस या नो पर। फिर यहाँ पर आपको अपना एनुअल इनकम फिलअप कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, एड्रेस डालने के बाद यहाँ पर आपको पिन कोड फिलअप करनी है। साथ में यहाँ पर लिखा है अपलोड स्टूडेंट पासपोर्ट साइज फोटो, तो यहाँ पर जिस विद्यार्थी का आप फॉर्म फिलअप कर रहे हैं उसका पासपोर्ट साइज फोटो भी आपको अपलोड करनी है, लेकिन उसकी जो
साइज है वह 100 के बीच ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर लिखा है इंटर ओटीपी, जो आपके मोबाइल पर ओटीपी जा रहा है उसको आपको यहाँ पे इंटर कर देनी है। यदि किसी कारणवश ओटीपी नहीं आता है तो आपको ये रीसेंट ओटीपी पर क्लिक करके पुनः ओटीपी प्राप्त कर लेनी है। उसके बाद नीचे में ऑप्शन देखी दिया है अप्लाई फॉर एडमिशंस ऑन सजेस्ट, तो उसके बाद आपको इसको क्लिक करेंगे। जैसे ही इसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नोटिफिकेशन आएगा कि आपने सफलतापूर्वक फॉर्म सबमिट कर लिया है, और फिर आपको एक फॉर्म नंबर मिल जाएगा और नीचे में आपको ऑप्शन मिल जाएगा डाउनलोड करने का। यदि आप भूलवश वहाँ पे आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए ऊपर में आपको तीन लाइन दिखाई पड़ रहा है मेनू, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये एडमिशन पे क्लिक करना है और इसमें ऑप्शन आपको मिलता है ये देखिए डाउनलोड का, डाउनलोड को आपको क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आपको डाउनलोड को क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से पेज खुलेगा जिसमें लिखा है डाउनलोड योर एप्लीकेशन। यहाँ पर लिखा हुआ है इंटर योर मोबाइल नंबर विच वाज फिल्ड इन योर फॉर्म या फिर एप्लीकेशन, यानी कि दोनों में से आपको एक एंटर करनी है। तो यहाँ पर चलिए हम मोबाइल नंबर एंटर कर लेते हैं इस तरह से, और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद फिर हम सर्च पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है इस तरह से। देखिए हमारे सामने दिखाई पड़ता है इसकी देखिए यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है सीरियल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, गार्जियन का नाम, क्लास का नाम और स्कूल का नाम के साथ साथ यहाँ पे लास्ट टाइम देखिए ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है डाउनलोड का। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने वह फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा इस तरह से, फिर उसको आपको डाउनलोड कर लेनी है। जैसे ही आप डाउनलोड करेंगे तो आपके सामने इस तरह से फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से हमारे सामने फॉर्म ओपन हो जाता है, इसको आपको भविष्य के लिए सुरक्षित करके रख लेनी है। तो साथियों आज का जो वीडियो है आपको कैसा लगा हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं साथियों एक नई जानकारी के साथ एक नए वीडियो के साथ, तब तक के साथियों जय जवाहर जय छत्तीसगढ़ जय हिंद।